हेलो एवरीवन वेलकम टू दिस वीडियो ये वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 पॉइंट टू क्वांटिटीज के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे तो so, इस एक्सरसाइज में का फर्स्ट प्रॉब्लम है डिवरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ टेन परसेंट ऑन द मार्केट प्राइसेस ऑफ ऑल द आइटम्स सेल में एक शॉप ने हर एक आइटम पे टेन परसेंट डिस्काउंट ऑफर किया है ओके okay. आगे क्या बोला है वॉट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्कड एट रुपीज़ फोर्टीन फिफ्टी पेयर ऑफ जीन्स मतलब दो जीन्स है उसकी टोटल कीमत मतलब है दो जीन्स की फोर्टीन फिफ्टी एंड टू शर्ट्स मार्कड ऐट रुपीज़ एट फिफ्टी एक शर्ट की कीमत है एट फिफ्टी रुपीज़ ऐसे दो शर्ट्स दो जीन्स और दो शर्ट्स की कीमत उन्होंने दी है तो कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा ये हमें निकालना है तो इस प्रॉब्लम में शुरुआत में थेरी में फॉर्मूले दिए हैं बुक में और रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं और ये फार्मूले याद रखना वगैरह कुछ ज़रूरत नहीं तो हम क्या करेंगे एज एन मैन रिक्वायर्ड मतलब जब भी ज़रूरत पड़े तब हम फार्मूला बनाएंगे उसको याद रखने की कोशिश करने की जरूरत ही नहीं है वेरी सिंपल बेसिक्स अप्लाई करेंगे फार्मूला ऑटोमेटिकली बनते जाएगा और हम प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे तो क्या है टेन परसेंट हर एक आइटम पे डिस्काउंट ऑफर किया है शॉप ने और दो जीन्स और दो शर्ट्स लिए हैं उसका मार्केट प्राइस दिया है और कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा ये निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम तो पेयर ऑफ जीन्स के ऊपर कितना डिस्काउंट मिलेगा वो निकालेंगे और दो शर्ट के ऊपर कितना डिस्काउंट मिलेगा वो निकालेंगे दोनों का डिस्काउंट मार्केट टोटल मार्केट प्राइस में से हटा देंगे तो हमें कस्टमर को कितना पैसा वो शॉप वाले को शॉपकीपर को देना पड़ेगा वो मिलेगा ओके तो शुरुआत में क्या करेंगे डिस्काउंट डिस्काउंट ऑन पेयर ऑफ जींस पेयर ऑफ की कीमत कितनी है फोर्टीन फिफ्टी तो उसका टेन परसेंट डिस्काउंट ओके कितना आएगा तो 1450 को 10 से मल्टीप्लाई करना है बिकॉज 10% परसेंट डिस्काउंट है हर एक आइटम पे और 100 से डिवाइड करना है एक जीरो चला जाएगा ये भी जीरो चला जाएगा तो डिस्काउंट कितना आया 145 फोर्टी फाइव रुपीज़ जीन्स की एक जोड़ी पे पेयर ऑफ जीन्स के ऊपर कितना पैसा बचेगा डिस्काउंट कितना हुआ ये वन फोर्टी फाइव रुपीज अभी दो शर्ट के ऊपर कितना डिस्काउंट मिलेगा वो फाइंड करेंगे तो डिस्काउंट ऑन टू शर्ट्स मार्केट प्राइस इसकी कितनी है एट फिफ्टी रुपीज तो ये एक शर्ट की कीमत दी है यहाँ पे दो जीन्स की पेयर ऑफ जीन्स की दी थी इसलिए डायरेक्टली 1450 को हम 10 से मल्टीप्लाई किया 100 से डिवाइड किया यहाँ पे 850 एक शर्ट का है तो दो शर्ट का कितना होगा 850 फिफ्टी इंटू टू और ये जो भी कीमत आएगी उसको उसका 10 परसेंट डिस्काउंट निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई टेन एंड डिवाइड बाई हंड्रेड तो एक जीरो चला जाएगा दूसरा जहरू चला जाएगा तो 85 फाइव इंटू टू एटी फाइव इंटू ये आएगा वन सेवेंटी रुपीज़ वन सेवेंटी अभी दोनों का डिस्काउंट मिल गया पेयर ऑफ जीन्स के ऊपर वन फोर्टी मिला डिस्काउंट और दो शर्ट के ऊपर वन सेवेंटी डिस्काउंट मिला देर फोर टोटल डिस्काउंट टोटल डिस्काउंट इक्वल टू वन फोर्टी फाइव प्लस वन सेवेंटी सौ और सौ दो सौ सत्तर और पैंतालीस एक सौ पंद्रह दो सौ और एक सौ पंद्रह तीन सौ पंद्रह रुपीज डिस्काउंट आया तो so कस्टमर को अभी कितना पे करना पड़ेगा वो निकालेंगे एट द एंड ट एस फाइंड फ्रॉम इच कस्टमर एज टू पे देर फोर कस्टमर एस टू पे टोटल कीमत कितनी हो गई अभी मैंने तो प्रॉब्लम रब किया है पेयर ऑफ जीन्स का कितना था फोर्टीन फिफ्टी ये प्लस दो शर्ट का मार्केट प्राइस क्या है एक शर्ट का एट फिफ्टी है तो दो शर्ट का टू इंटू एट फिफ्टी ये मार्केट प्राइस है उसमें से ये टोटल डिस्काउंट निकालना पड़ेगा तीन सौ पंद्रह तो फोर्टीन फिफ्टी प्लस एट फिफ्टी इंटू टू कितना आता है सत्रह सौ रुपये सेवनटीन हंड्रेड रुपीज़ जीरो फाइव सेवे थ्री वन फाइव ज़ीरो थ्री वन फाइव ज़ीरो तो अभी कितना कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा ये मार्केट प्राइस टोटल आ गई थ्री वन फाइव जीरो उसमें से थ्री वन फाइव निकालना पड़ेगा थ्री वन फाइव निकालना पड़ेगा तो कितना आएगा ये थ्री वन फाइव जीरो माइनस थ्री वन फाइव पाँच तीन तेन ग्यारह में से तीन गए आठ टू एट थ्री फाइव रुपीज कस्टमर को पे करना पड़ेगा यह है टोटल मार्केट प्राइस पेयर ऑफ जीन्स का कीमत है फोर्टीन फिफ्टी एक शर्ट का कीमत एट फिफ्टी मार्केट प्राइस उसका डबल सत्रह सौ ये दोनों का एडिशन वो मार्केट हो गया उसमें से डिस्काउंट निकालना पड़ेगा दस दस परसेंट दोनों के ऊपर का डिस्काउंट निकाला उसका टोटल आया तीन सौ पंद्रह और डिस्काउंट हटाने के बाद इतना पैसा कस्टमर को शॉपकीपर को देना पड़ेगा दिस इज द फाइनल आंसर अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम है सेकेंड प्रॉब्लम द प्राइस ऑफ टी वी इज रुपीज थर्टीन थाउजेंड द सेल्स टैक्स चार्जड ऑन इट इज एट द रेट ऑफ ट्वेल्व परसेंट टीवी का प्राइस कितना है थर्टीन थाउजेंड रुपीज तेरह हजार रुपये और उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगा है ट्वेल्व परसेंट का बारह परसेंट सेल्स टैक्स लगा है क्या पूछा है फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट तो ये मार्केट प्राइस है इसके ऊपर सेल्स टैक्स देना है उसको ट्वेल्व परसेंट खरीदने के लिए तो कितना प्राइस उसको देना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा मार्केट प्राइस में सेल्स टैक्स ऐड करना पड़ेगा तब तो क्या कीमत चुकानी पड़ेगी वो मिलेगा तो सेल्स टैक्स सेल्स टैक्स टी वी के मार्केट प्राइस कितनी है थर्टीन थाउजेंड रुपीज थर्टीन थाउजेंड को इसके ऊपर का ट्वेल्व परसेंट सेल्स टैक्स निकालना है तो ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करो और हंड्रेड से डिवाइड करो एक दो जीरो दो चले गए तो वन थर्टी इंटू ट्वेल्व तो ट्वेल्व जीरो जीरो ट्वेल्व थ्री जा थर्टी सिक्स कैरी थ्री ट्वेल्व वन ज ट्वेल्व प्लस थ्री फिफ्टीन फिफ्टीन सिक्सटी फिफ्टीन सिक्सटी पंद्रह सौ साठ रुपये इसका सेल्फ टैक्स आया इस कीमत में ये टैक्स को ऐड करना पड़ेगा फिर उसकी टोटल प्राइस मिलेगी देयरफॉर विनोद एज टू पे थर्टीन थाउजेंड प्लस दिस टैक्स फिफ्टीन सिक्सटी तो तेरह हजार और हजार चौदह हजार ऊपर के पाँच सौ साठ चौदह हजार पाँच सौ साठ फोर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड सिक्सटी रुपीज इतना पैसा विनोद को वो शॉप कीपर को देना पड़ेगा टू तो बाय दिस टीवी नेक्स्ट प्रॉब्लम थर्ड प्रॉब्लम क्या है अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज ट्वेंटी परसेंट अरुण ने पेयर ऑफ स्केट्स खरीद लिया है कितने परसेंट डिस्काउंट पे ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट पे इफ द अमाउंट ही पेज इज रुपीज सिक्सटीन हंड्रेड उसमें उसको कितना कीमत देना पड़ा क्यों या कितनी कीमत चुकानी पड़ी दुकानदार को सोलह सौ रुपये देनी पड़ी कीमत देन फाइंड दी मार्केट प्राइस मार्केट प्राइस नहीं है हमारे पास वो बाइंग प्राइस है बाइंग प्राइस कैसे मिलता है मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट जब निकालेंगे तब बाइंग प्राइस आती है तो पहले डिस्काउंट निकालते हैं लेकिन मार्केट प्राइस नहीं है तो मार्केट प्राइस को यहाँ पे हमें कुछ एज्यूम करना पड़ेगा तो लेट एक्स द मार्क्ड प्राइस मार्क्ड प्राइस मार्केट प्राइस।, प्राइस को हमने एक्स मान लिया तो इस की के ऊपर कितना परसेंट डिस्काउंट है ट्वेंटी परसेंट और डिस्काउंट फाइंड करेंगे हम देरपोर डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस को ट्वेंटी से मल्टीप्लाई करो और हंड्रेड से डिवाइड करो जीरो कट जाएगा तो कितना आएगा टू टेन पॉइंट टू एक्स पॉइंट टू एक्स इफ द अमाउंट ही पेस इज सिक्सटीन हंड्रेड रुपीज उसको कितना पे करना पड़ा सोलह सौ रुपये पे करना पड़ा तो बाइंग प्राइस कितनी होती है बाइंग प्राइस बिल्यू बाइंग प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट निकालना पड़ेगा मार्केट प्राइस शॉर्टकट शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं मैं मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट निकालना पड़ेगा डिस्काउंट कितना आया मच रुपीज माइनस पॉइंट टू एक्स बाइंग प्राइस हमारे पास है कितनी है सोलह सौ मार्केट प्राइस हमने क्या एज्यूम किया है लेट एक्स बी बिथ मार्केट प्राइस एक्स माइनस दिस इज डिस्काउंट पॉइंट टू एक्स तो एक्स माइनस पॉइंट टू एक्स कितना होता है इक्वल टू पॉइंट एट एक्स तो एक्स कितना होएगा ये पॉइंट एट ये डिवीजन में चला जाएगा इधर सिक्सटीन हंड्रेड डिवाइडेड बाय पॉइंट एट तो ये पॉइंट हटाने के लिए दस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे पर आएगा सोलह हजार नीचे आएगा एट एट वन जा एट एट टू जा सिक्सटीन ये आया टू थाउजेंड रुपीज मार्केट प्राइस टू थाउजेंड है लेकिन उसको कितना देना पड़ा ये पेयर ऑफ स्केट्स लेने के लिए सोलह सौ रुपये देना पड़ा इसका मतलब उसको ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट से चार सौ रुपये कम देने पड़े चार सौ रुपये कम देने, 2, देने पड़े इंस्टेड ऑफ टू थाउजेंड रुपीज विनोद हैज़ टू पे सिक्सटीन हंड्रेड रुपीज टू बाय दिस पेयर ऑफ स्केट्स आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व दिस थेरी प्रॉब्लम्स वेरी सिंपल जस्ट अप्लाई द लॉजिक्स एंड वॉट एर बेसिक्स यू हैव लर्न बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स यू अप्लाई दोज फंडामेंटल्स To solve these problems very easy let's stop here for this video and uh, we will meet again in the next video with other problems from the same ex exercise 7.2 i think two problems remaining from this exercise till then goodbye